आपका फ्री में जानकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए एक जबरदस्त लकी ड्रॉप प्लस यहाँ पे एक आपको खतरनाक डील लेके आया हूँ, जिसमें क्या होगा आप लोगों के लिए कास्ता टोकन। जी हाँ गाइस, ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और कई सारे बड़े बड़े एक्सचेंजों पे भी लिस्टेड है। ये आप लोगों के लिए मिलने वाला है गाइस 50% ऑफ में। जी हाँ गाइस, और प्रोजेक्ट देख लो इतना तगड़ा है, 1,90,000 के अराउंड फॉलोवर है, प्लस यहाँ पे वेरीफाइड अकाउंट है। ओके जी हाँ गाइस, ये ऑफर चल रहा है एसएनडेक्स एक्सचेंज पे। और सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा एंड यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर वगैरह से वेरीफाइड कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे $30,000 का लकी ड्रॉप भी चल रहा है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो। इनकी सबसे पहले आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी है। अभी यहाँ पे जो चल रहा है वो इनका वार्म अप पीरियड चल रहा है, उसके बाद इनका सब्सक्रिप्शन पीरियड चलेगा, उसके बाद इनका लकी रफालिंग फेज चलेगा एंड यहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका फाइनली। और ये जो इनका इवेंट चल रहा है वो यहाँ पे इनका राउंड 6 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इतनी सेफ चीज होती है भाई साहब, 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही है, इससे अच्छी बात क्या है। यहाँ पे आपका खर्चा भी कुछ नहीं है भाई, देखो फीस तो आप हर एक्सचेंज पे देते हो। इसी वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिवे वे भी रखा है। फिर से आपको क्या करना है, अपने एसएनडेक्स एक्सचेंज में आना है और ये जो आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको आके ये जो आपकी यूआईडी है ये मुझे टेलीग्राम पे आप दे देना। कम से कम 10 से 12 लोगों को मैं चूज करूंगा, उनको अच्छा खासा यहाँ पे छोटा रिवार्ड में यूएसडीटी दूंगा। ओके एंड ये यहाँ पे लगती है, डियर यूजर SNDEX is to roll out the 6th round of the lucky drop program, offering user a limited time opportunity to subscribe for Kasta worth of 1,00,000, ठीक है, $1,00,000 worth के यहाँ पे 50% off में, मतलब discount में आपको Kasta मिलने वाले हैं। एंड जो इनका सबसे पहले वार्मअप पीरियड, जो वार्मअप पीरियड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है मई 9 से 12 AM से, ठीक है, एंड यहाँ पे मई 16 तक चलेगा 12 AM UTC टाइम तक, ठीक है। आज मैं इसमें आपको लाइव करके दिखाऊंगा खुद, तो आपको भी इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं और कैसे यहाँ पे आप 50% ऑफ में हर बार ग्रैब कर सकते हो इनके टोकन को, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक आर्टिकल छोटा सा लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यूजर हु मीट द होल्डिंग और ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट द लकी ड्रॉप एंड वाई डिस्काउंटेड कास्टा बेस्ड द देयर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल, द हायर देयर होल्डिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम द मोर डिस्काउंटेड कास्टा यूजर कैन सब्सक्राइब, यूजर कैन आल्सो रेफर दर फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपने दोस्तों को रेफर कराओगे तो यहाँ पे आपकी मतलब और ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यहाँ पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। एंड सबसे पहले इनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। आप कास्ता 50% ऑफ मिलोगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड यहाँ पे जो इन्होंने एलिजिबिलिटी लिखी है, इसमें मेन चीज़ है यहाँ पे हमको पढ़ने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है, वेरीफाइड यूजर विद एवरेज, मतलब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट वेरीफाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, अकाउंट होल्डिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम एटलीस्ट 10,000 USDT विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाइड है और आपने अब तक $10,000 की वॉल्यूम जनरेट कर लिया है तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। एंड यहाँ पे सेकंड जो इनका इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, इसमें इन्होंने लिखा है, हाउ टू गेन अ मैक्सिमम, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 6 सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जिसमें अगर मैं एक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपको शायद 500 कास्ता, जिसकी यहाँ पे $69 की वैल्यू रहती है, तो ये आपको मिलने वाले हैं लगभग $35 के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको 6 अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, मतलब 5 × 30 3,000 की, तो यहाँ पे $417 के यहाँ पे आपको कास्ता मिलेगा और ये मिलेगा आपको 50% ऑफ में, मतलब यहाँ पे आपको $208 में मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ए सब्सक्रिप्शन विल बी एडेड अपॉन एवरेज होल्डिंग इंक्रीज या टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज 10,000 USDT विद मैक्सिमम ऑफ 6 सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। इन्होंने नेक्स्ट लिखा है, हाउ टू इंक्रीज, मतलब हम लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे अपने चांस बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे हम हर बार विन हो, ठीक है। तो इनने यहाँ पे भी एक छोटा सा हिंट दिया है हम लोगों के लिए, एन एक्स्ट्रा 2% विनिंग चांस विल बी इंक्रीज अपॉन अ एलिजिबल रेफरल, ठीक है, ए रेफरल साइन अप योर अकाउंट, ठीक है, आपके रेफर लिंक से एंड एक्सक्लूसिव रेफर लिंक, ठीक है, जो कि आपको अभी मैं बता दूंगा, विद अ मैक्सिमम 40% इंक्रीज। और ये एक्सक्लूसिव लिंक आपकी अलग रहती है, ठीक है, रेफर लिंक से अलग हटके रहती है, ये आपको कैंपेन में मिलती है। ओके,
ये तो मैंने आपको फंड वालों की बात बता दी, एंड थर्ड नंबर पे इनका एक लकी रफाल पीरियड चलता है जो कि सिर्फ कितना 11:01 AM से लेके 11:10 मतलब 9 मिनट तक रहता है, जिसमें यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द लकी रफाल विल बी स्टार्ट आफ्टर द कैलकुलेशन, ठीक है, ऑफ द सब्सक्रिप्शन रफाल विनर विल बी रिसीव्ड द लकी ड्रॉप क्वाटा, यूजर हु डोंट विन द लकी रफाल विल बी एलिजिबल शेयर इन द पोलिट पार्टिस पेड रिवॉर्ड, ओके। मतलब यहां पे इनके कहने का मतलब ये है, अगर यहां पे आप इनके सब्सक्रिप्शन पीरियड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हो, नहीं जीत पाते हो, तो इस 9 मिनट के अंदर आप लोग यहां पे इनके पूल में पार्टिसिपेट करके आराम से विन कर सकते हो, ओके। अब टोटल यहां पे जो लकी ड्रॉप का टोटल सप्लाई रखी गई है वो यहां पे कितने 5,00,000 कास्ता रखे गए हैं, जिनकी वैल्यू यहाँ पे $100,000 बनती है, एंड यहाँ पे लकी ड्रॉप मोड लकी रफाल पार्टिसिपेट रिवार्ड एट टोटल एलोकेशन लकी रफाल को रखा गया है, जो कि यहाँ पे कितना रखा गया है, यहाँ पे लगभग 400,000, जिसमें यहाँ पे 800 सब्सक्रिप्शन रखी गई है। मतलब एक सब्सक्रिप्शन अगर एक बंदा करता है तो ये यहाँ पे 800 लोगों के लिए रखी गई है, इसमें एक बंदा मैक्सिमम यहाँ पे 6 सब्सक्रिप्शन ले सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ओके। इसमें एक सब्सक्रिप्शन में उसको 500 कास्ता मिलेंगे, मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिए, एंड टोटल यहाँ पे जो एलोकेशन रहने वाला है वो 100,000 कास्ता का रहने वाला है। एंड अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे इन लोगों ने कहा है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, ठीक है। तो जो इनका टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे पीरियड रहने वाला है, तो वो यहाँ पे May 16 मतलब 16 मई से 11:11 से AM से 12 PM UTC के लिए होने वाला है, इस बीच में आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कास्ता टोकन यूजर वॉन, मतलब अगर यहाँ पे बिन कर जाते हो, इन द लकी रफाल विल बी फुली डिस्ट्रीब्यूशन टू देयर अकाउंट बाई May 16, ठीक है, आपको फुली डिस्ट्रीब्यूशन 16 तारीख को कर दिया जाएगा, एंड विदाउट लॉकअप, कोई भी लॉकअप पीरियड रहने वाला नहीं है, द टोकन यूजर पेड फॉर द पोर्टन ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट डिड नॉट विन द लकी रफाल विल बी रिफंडेड और देयर अकाउंट वाई May 16 12 PM UTC, ओके। इन लोगों ने यहाँ पे ये भी लग दिया कि प्लीज आप लोग इसको नोट कर लो, अगर ये चीजें आपके अकाउंट में नहीं है तो यहाँ पे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा है यूजर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अकाउंट वेरिफिकेशन टू पार्टिसिपेट इन द लकी ड्रॉप, ठीक है, आपका यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए यहाँ पे लकी ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। नंबर 2 पे उन्होंने लिखा है द नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन यूजर कैन अप्लाई फॉर बी कैलकुलेटेड एथर बेस्ड ऑन देयर अकाउंट होल्डिंग of their trading volume, the system will be selected maximum number 4 user by default, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं कि यूजर को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा उनके अकाउंट के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार, ओके। मतलब ये होगा यूजर ट्रेडिंग 7 डे, ठीक है, 7 डे एवरेज होल्डिंग कैश मतलब इन अ कैश मार्जिन अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर अकाउंट, इस बात का ध्यान रखना किस किस में कर सकते हो, या फिर कैश अकाउंट में, मार्जिन अकाउंट में, फ्यूचर अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी कैलकुलेटेड USDT एवरी डे फॉर 9 मई से, मतलब आज से शायद 9 मई 12 AM से यहाँ पे 16 मई तक कैलकुलेशन किया जाएगा। एंड इन्होंने यहाँ पे जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया है इसमें लिखा है यूजर यहाँ पे ये भी सेम ही है बिल्कुल, ओके, एंड यहाँ पे हम किस बेसिस पे कितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ आपको 10,000 USDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम करोगे तो एक सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 20,000 USDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करोगे तो दो सब्सक्रिप्शन मिलेंगी, एंड इसी प्रकार से 30,000 का यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करोगे तो यहाँ पे 3 सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगी, इसी प्रकार से नीचे आप भी दे सकते हो, ओके। एंड थर्ड नंबर पे ये लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, इफ़ द शेयर द यूजर विल फॉर्म द पूलेट, ठीक है, जितना इन लोगों ने पूल रखा है उस पूल में पार्टिसिपेट रिवार्ड एक्सीड द यूजर, मतलब उससे ज़्यादा यहाँ पे अगर यूजर हो जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन वैल्यू यूजर कैन ओनली रिसीव्ड पार्टिसिपेशन रिवार्ड, ठीक है, एंड शेयर वर्थ ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन वैल्यू, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एंड फोर्थ नंबर पे रेफरेंस मस्ट हैव द रेफरेंस साइन अप, यहाँ पे जो इवेंट की लिंक है ना एक्सक्लूसिव रेफरल लिंक होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है, जो कि ये वाली रहेगी, ओके।
एंड फिफ्थ नंबर पे इन लोगों ने लिखा है ASD और ASDP जो भी राइज होगा, ठीक है, यहाँ पे लक्की ड्रॉप के थ्रू तो विल बी परमानेंटली लॉकेड, ठीक है, परमानेंटली लॉकेड अप एंड ASD कंपटीशन इन द इवेंट विल बी डीमेड अ नॉर्मल रिलीज ऑफ ASD प्राइवेट सेल्स, ओके। एंड सिक्स नंबर पे यूजर कैन रिक्वायर टू एग्री इनकी जो भी एंड लकी ड्रॉप की टर्म एंड कंडीशन है। एंड यहाँ पे सेवन्थ नंबर पे लिखा गया है अकाउंट कैन नॉट पार्टिसिपेट इंडिपेंडेंट अकाउंट, ठीक है। एंड एट नंबर पे लिखा है अगर यहाँ पे आप इस कंट्री से हो तो यहाँ पे आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो गाइस, ओके। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आई होप आपको इसमें बिल्कुल पूरी क्लियरिफिकेशन मिल गई होगी। अब मैं इनको जो $30,000 का पूल चल रहा है उसको बताता हूँ, जिसमें आराम से आप मतलब $10 से लेकर $70 तक USDT तक पर डे यहाँ पे अर्न कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इनका एक मतलब जो क्या लिखा है ना, अभी बताता हूँ, ट्रेड एनिमल कॉन्सेप्ट ANML टू शेयर $30,000 वर्थ ऑफ रिवॉर्ड रखा गया है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक इंट्रैक्शन दिया है जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, डियर यूजर इन अप्रिकेशन ऑफ द सपोर्ट फॉर द एनिमल कैरेंस ANML प्रोजेक्ट, इसका नाम है एसेंडेक्स एंड द एनिमल कॉन्सेप्ट टीम विल बी किक ऑफ द लिमिटेड टाइम प्रमोशन, ठीक है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, बाई ट्रेडिंग ANML इनके अकाउंट मतलब इनके एक्सचेंज पे यूजर विल बी प्रोवाइड अ चांस टू बीन शेयर $30,000 जो इनका डॉलर का पूल चला है इसमें यहाँ पे बर्थ ऑफ रिवॉर्ड डिटेल और फॉलो यहाँ पे कैसी कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनका जो यहाँ पे इवेंट पीरियड चलने वाला है वो यहाँ पे इवेंट पीरियड मई 7 तारीख से स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे 14 तारीख तक चलने वाला है जिसमें अभी 5-6 दिन बाकी है। एंड यहाँ पे आपको इवेंट में करना क्या है, आपको इवेंट में बस इतना ही करना है, इवेंट ऑन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम चैलेंज, ठीक है। यहाँ पे यूजर हु ट्रेड ANML टोकन को विल मेंटेनिंग रखना है डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बाय एंड सेल एटलीस्ट 2000 मतलब 200 USDT विल बी एलिजिबल टू शेयर, जो इनका $20,000 का पूल हैगा उसमें आप पार्टिसिपेट हो जाओगे, ठीक है, पर देयर ट्रेडिंग वॉल्यूम टू सी रिवॉर्ड डिटेल बिलो। मतलब अगर इनके आप जो भी इनका 7 तारीख से 14 तारीख तक पूल चल रहा है उसमें अगर आप पर डे यहाँ पे $200 का वॉल्यूम जनरेट करते हो तो पार्टिसिपेट आप हो जाओगे इनके 20,000 USDT वाले पूल में। एंड इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जिसमें आप पर डे अगर यहाँ पे $1,000 की वॉल्यूम जनरेट कर देते हो तो यहाँ पे $20 बर्थ के यहाँ पे आपको ANML टोकन यहाँ पे फॉर एवरी एलिजिबल डे, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन आप एलिजिबल होते रहोगे यहाँ पे ईच यूजर कैन बिन अप टू मतलब 20 USDT से लेके 140 USDT तक अर्न कर पाओगे। एंड अगर यहाँ पे आप ये नहीं कर पाते हो $1,000 वाली तो अगर यहाँ पे आप $200 की पर डे यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हो तो यहाँ पे अप टू यहाँ पे 10 USDT बर्थ से लेके ANML टोकन के फॉर एवरी एलिजिबल अ डे ईच यूजर कैन बी 70% मतलब 70 USDT यहाँ पे आप ANML टोकन में अर्न कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लिखी गई हैं जिसमें यहाँ पे लिखा है इवेंट टू ट्रेडिंग वॉल्यूम रैंकिंग चैलेंज, यहाँ पे आपको रैंकिंग चैलेंज भी मिल जाएगा जिसमें यहाँ पे लिखा है यूजर विल बी रैंकड बेस्ड ऑन देयर यहाँ पे लिखा है क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ ANML द टोकन टॉप 50 यूजर, ठीक है। अगर यहाँ पे टॉप 50 यूजर आ जाते हो तो एलिजिबल हो जाओगे आप $10,000 के पूल में जिसमें 50 लोगों के लिए ये $10,000 का पूल रखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इनकी टर्म एंड कंडीशन को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर वन, यहाँ पे विनर मस्ट हैव वेरीफाइड एसेंडेक्स अकाउंट एलिजिबल क्लेम द रिवॉर्ड, ठीक है। आपको रिवॉर्ड यहाँ पे क्लेम करने के लिए अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना पड़ेगा। सब अकाउंट कैन नॉट बी यूज एन इंडिपेंडेंट अकाउंट टू पार्टिसिपेट इन दिन इवेंट बट देयर ट्रेडिंग वॉल्यूम विल बी क्रेडिट टुवर्ड देयर पेरेंट अकाउंट, ठीक है। एंड वन द डे will be defined for 12 AM to 12 AM the next day, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पे 12 AM से लेके नेक्स्ट जो डे इनका रहने वाला है वो यहाँ पे इनका 12 AM UTC रहने वाला है, ठीक है। एंड जो इनका फोर्थ यहाँ पे रहने वाला है टर्म एंड कंडीशन वो यहाँ पे रखी गई है द प्राइज पूल द डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम चैलेंज यहाँ पे इज कैपिड 20,000 USDT का रहने वाला है एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, ठीक है। एंड ये आपको अमाउंट फर्स्ट कम एंड फंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलने वाला है एंड रिवॉर्ड
रिवॉर्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूशन टू यूजर विद अ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम एट लीस्ट 1000 USDT पर द रैंकिंग ऑफ देयर ट्रेडिंग द बिफोर व्यू डिस्ट्रीब्यूशन टू यूजर विद अ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम एट लीस्ट 200 USDT। ठीक है, यहाँ पे या तो आपकी 1000 USDT की डेली वॉल्यूम रहने वाली है होनी चाहिए या फिर 200 USDT के रहने वाली होनी चाहिए। ठीक है, विद द सेम नंबर ऑफ ट्रेडिंग द यूजर हु हैव द हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम विल बी गिवन अ प्रायोरिटी टू बिनिंग। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बिन करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, यहाँ पे देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम सिंपल से आप $200 की कर लोगे। सबसे पहले आप अपने अकाउंट में आना, यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपके पास कुछ भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास USDT है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे अभी 102 USDT है और मैं यहाँ से TRX बाई करूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी फीस ज़्यादा रखती है, तो यहाँ पे जो आपको लिमिट ऑर्डर दिख रहा है ना, यहाँ ध्यान रखना आपका मार्केट ऑर्डर नहीं होना चाहिए, आपका लिमिट ऑर्डर ही होना चाहिए। और यहाँ पे आप अपना प्राइस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 100% करना और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देना अपना प्राइस सिलेक्ट करने के बाद। एंड सक्सेसफुली बाय हो गया है, एंड सेकेंड में यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं सक्सेसफुली अपना इधर से प्राइस सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे 100% करके सेल पे क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर किस रैंक पे चल रहा है, तो ये येलो कलर की आपकी बिंदु दिखती होगी आपको। ठीक है, तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे मेरा मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं बाय पे जाता हूँ तो देखो मेरे पास कितना था, 102 USDT था और मेरे अकाउंट में अभी 102 USDT है और मैंने आपके सामने $200 की वॉल्यूम जनरेट कर लिया, जिसमें लोग कहते हैं कि मेरी फीस चले गई, ये चला गया, वो चला गया। भाई साहब, आप मार्केट ऑर्डर मत लगाया करो, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाया करो। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।